नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे Realme Buds Wireless 2 Neo। ये है दोस्तों इसका बॉक्स, हमने परचेस किया है Realme की ही साइट से। और ये दोस्तों ब्लू कलर और ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा, वैसे ये ब्लू कलर है। तो चलिए चेक करते हैं इन बर्ड्स को, वायरलेस नेक बैंड को, कैसे ये है, कैसी इनकी साउंड क्वालिटी है और कैसी इनकी बिल्ड क्वालिटी है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों, ऐसी कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है Realme Buds Wireless 2 Neo, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। ये ब्लैक कलर में है बट ये ब्लू कलर में भी आपको मिल जाएगा, वैसे ये ब्लू कलर ही है। और यहाँ पे देखिए बॉक्स में तो Realme लिखा हुआ है, इधर भी Realme लिखा हुआ है। एंड बैक साइड इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दे रखे हैं, जैसे इसमें आपको 11.2 mm के जो ड्राइवर्स है वो मिलते हैं, बेस बूस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। 17 आवर्स तक का आपको बैकअप मिल जाएगा। और इसमें भी बैक साइड आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं, मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन इसमें भी मिलता है आपको। लो लेटेंसी मिल जाती है 88 मिलीसेकंड्स की, और 10 मिनट्स अगर आप चार्ज करते हो तो आपको 120 मिनट्स का बैकअप मिलता है। और IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है ये। और यहाँ पे देखें तो इसमें प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा दे रखी है बॉक्स में, 2500 अप्रॉक्सीमेट, बट आपको 1500 के आसपास मिल जाएंगे। Realme की साइट से भी आप परचेस कर सकते हो या फिर आप Amazon से भी परचेस कर सकते हो। बर्ड्स नियो जो है वो Amazon पे मिलेंगे आपको, और ये ब्लू कलर है। तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी। ये ब्लू कलर है और ब्लैक कलर मेरे को पसंद नहीं था, तो इसी वजह से मैंने ब्लू कलर लिया। वैसे मुझे ग्रीन कलर भी पसंद था, बट जो ग्रीन कलर है वो नियो मॉडल में नहीं है, वो वायरलेस 2 में है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है, फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो पैकेजिंग में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बर्ड्स। तो चलिए इनके साथ आपको क्या मिलता है देख लेते हैं। इसको निकाल लेता हूं मैं बाहर। तो दोस्तों, इसके साथ आपको मिलती है एक यूज़र मैनुअल एंड आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स, और एक ये USB Type C केबल, अच्छी क्वालिटी की केबल है ये। चलिए ये सब रख देते हैं साइड में और आते हैं अपने इन वायरलेस 2 नियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपको फिजिकल ओवरव्यू देता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखें इसके नेक बैंड को, तो ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अच्छी बात है, ये क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखें तो दोस्तों, ये थोड़ा टेक्चर्ड में दे रखा है, यहाँ पे लाइनिंग सी दे रखी है, यहाँ पे Realme लिखा हुआ है और ये लेफ्ट साइड है एंड यहाँ पे एक टैग सा लगा हुआ है। एंड इस साइड देखें, यहाँ पे तो आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन्स दे रखे हैं एंड यहाँ पे एक बीच में सेंटर में बटन है। यहाँ पे LED इंडिकेशन दे रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखें तो ये वायर जो है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट वायर है जो कि यहाँ बर्ड्स में जा रही है। और ये हैं दोस्तों बर्ड्स, और ऑन करने के लिए ये वैसे ही हैं जैसे पहले वाले बर्ड्स थे। यहाँ से आप अगर इसे मैग्नेट को डी अटैच करते हो तो ये ऑन हो जाएंगे। ये देखिए ऑन हो गए, यहाँ पे LED इंडिकेशन आप देख सकते हो, पेयरिंग के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाऊँ तो यहाँ पे ये सिलिकॉन टिप्स हैं, यहाँ पे एक आई थिंक माइक या आउटपुट के लिए कुछ दे रखा है, इधर भी है एक, यहाँ पे स्टिकर निकाल देते हैं दोनों में से। तो ऐसा कुछ ये बर्ड्स दिखेंगे आपको, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए फ़ोन से पेयर करते हैं और चेक करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो दोस्तों, फ़ोन से पेयर करने के लिए आपने जस्ट इसको यहाँ से ऐसे डी अटैच कर देना है और ये ऑन हो जाएंगे, और फिर आपने अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा Realme Buds Wireless 2 Neo, तो जस्ट आपने इसको ऐसे टच करके पेयर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारे फ़ोन से कनेक्टेड हो चुके हैं, बैटरी भी दिखा रहा है 80%। तो चलिए साउंड क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको Realme Link ऐप का भी सपोर्ट मिलता है, आप इसे Realme लिंक ऐप से कनेक्ट कर सकते हो और फिर आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो Realme वॉच के साथ, जैसे हमारे पास Realme वॉच है तो इसे भी आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो वो भी अभी हम टेस्ट कर लेंगे।
तो दोस्तों ये है Realme Link ऐप, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हो इन हेडफोन्स को यहाँ पे। तो ऐड पे जाना है अपने, एंड यहाँ पे ऑडियो पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है Realme Buds Wireless 2 Neo, एंड यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, तो जस्ट आपने इसको टच कर लेना है। और यहाँ पे देखिए कनेक्टेड शो कर रहा है, 80% बैटरी भी शो कर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे आप गेम मोड यहाँ पे अनेबल कर सकते हो तो आपको लो लेटेंसी वाला जो फीचर है वो अनेबल हो जाता है। यहाँ पे ऑटो आंसर भी आप यहाँ पे कर सकते हो अनेबल या डिसेबल। बटन्स की भी आप दोस्तों यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, या जैसे सिंगल टैप में प्ले या पॉज होना चाहिए, या नेक्स्ट या प्रीवियस होना चाहिए, असिस्टेंट एक्टिवेट होना चाहिए, स्विच डिवाइस होना चाहिए, गेम मोड होना चाहिए, या पावर ऑफ होना चाहिए, या ऑफ रखना है आपने। तो यहाँ से आप दोस्तों बटन्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो इस Realme Link ऐप के थ्रू, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से आप दोस्तों इसका जो साउंड इफेक्ट है वो सब चेंज कर सकते हो, जैसे बेस बूस्ट आपने अनेबल करना है, डायनामिक पे रखना है, ब्राइट रखना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम एनहेंसर भी आप अनेबल कर सकते हो। तो Realme Link ऐप का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, तो अच्छी बात है। काफ़ी ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, नियो जो मॉडल है ये सस्ता है, जबकि वायरलेस 2 जो है वो आपको 2000 या 2500 का मिलेगा, बट ये 1500 की प्राइसिंग में मिल जाता है। और इसमें भी आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है, जो कि तो देखिए यहाँ पे भी Realme Link ऐप में ये देखिए बर्ड्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, 80% बैटरी शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए सारे जो फीचर्स है वो यहाँ से भी आप वॉच से भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, गेम मोड है, अनेबल या डिसेबल अगर आपने करना है तो यहाँ से आप वॉच से भी कर सकते हो। Realme Link ऐप का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है वो। तो चलिए दोस्तों साउंड क्वालिटी वगैरह टेस्ट करते हैं, कैसी इनकी साउंड क्वालिटी है चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको मिलेगा जब आप कानों में वेयर करोगे इन हेडफोन्स को, तो काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं। प्लस कानों में फिटिंग की बात करूं तो काफ़ी अच्छी फिटिंग है, काफ़ी कंफर्टेबल फिट है। मैंने काफ़ी देर तक इन्हें कानों में वेयर करके म्यूज़िक वगैरह सुना था, तो फिटिंग को लेकर तो कोई इशू नहीं था, काफ़ी कंफर्टेबल थे। प्लस साउंड क्वालिटी की बात करूं तो यार साउंड क्वालिटी इनकी काफ़ी इंप्रेसिव थी, बेस वगैरह काफ़ी अच्छे से आ रहा था, तो मतलब म्यूज़िक सुना मैंने तो म्यूज़िक सुन के मज़ा आ गया, मतलब सॉन्ग वगैरह सुने मैंने। प्लस कॉलिंग भी जब मैंने करी तो कॉलिंग भी काफ़ी अच्छे से हो गई थी, मतलब कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। प्लस गेमिंग मोड भी इसमें आपको अच्छे से मिल जाता है। प्लस जो Realme वॉच के साथ इसका जो कनेक्शन है उसमें आप जो गेमिंग मोड वगैरह अनेबल कर सकते हो, बेस मोड वगैरह अनेबल कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा फीचर था। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आई ये हेडफोन, इनकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। तो दोस्तों जैसे ही आप इन बर्ड्स को डी अटैच करते हो ये आपके फ़ोन से काफ़ी जल्दी पेयर हो जाते हैं, और यहाँ पे Link ऐप में भी आप देख सकते हो, ये देखिए Realme Buds Wireless 2 Neo 80% बैटरी शो कर रहा है और ये फ़ोन से पेयर हो चुके हैं, ऐप में ये चीज़ शो होती है। और जैसे ही आप इन्हें दोबारा से अगर कनेक्ट करते हो ये स्विच ऑफ हो जाएंगे, और देखिए डिसकनेक्ट हो गए अभी, तो काफ़ी फास्ट फ़ोन से पेयर हो रहे हैं, पेयरिंग काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे जो बटन्स मिलते हैं यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे प्लस से वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है, माइनस से वॉल्यूम कम हो रही है, सेंटर वाले से आप प्ले पॉज भी कर सकते हो यहाँ पे जैसे। बट ये सारे कंट्रोल्स आप कस्टमाइज़ कर सकते हो Realme ऐप में, जो इसकी Link ऐप है। तो दोस्तों ये है वायरलेस 2 Neo। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यार साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई इन वायरलेस हेडफोन्स की, मतलब जो बेस है, जो ट्रिबल है, जो वोकल्स है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। प्लस साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, बेस तो बहुत ही ज़्यादा, तो साउंड क्वालिटी से तो मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया। काफ़ी देर मैंने गाने वगैरह सुने तो साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई, स्पेशली जब मैंने ये बेस बूस्ट प्लस अनेबल किया था, इसके बाद तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, तो साउंड क्वालिटी बेस्ट है। प्लस कॉलिंग भी मैंने करके देखी तो कॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कॉलिंग हो रही थी। प्लस गेमिंग में भी लेटेंसी काफ़ी कम देखने को मिलती है, आऊँ तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ये एयरबड्स है, 1500 की प्राइसिंग में आपको मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इन्हें परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, सी यू सून।